हमारे किसान आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, इनकी मांगों को जायज ठहराते हुए बार एसोसिएशन ने, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि जो हमारे किसानों की जायज मांगे हैं वो मंजूर की जाए। आप अधिवक्ता वर्ग से हो, आपने कानून को पढ़ा होगा, कानून में क्या खामियां हैं, कुछ उसके बाद प्रकाश डालो। जब कानून में खामियां हैं तो इसीलिए तो आंदोलन चला हुआ है और इस आंदोलन को देखते हुए इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इसके समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि किसानों की समस्या दूर हो और ये देश प्रगति कर सके। और अपना सामान लेगा था एक क्विंटल दूध, 50 किलो चीनी और 2 किलो चाय, कल अकेले गए थे तो साथी में। और दूसरी मैं आपका अर्ज यू करूँ, आपने सवाल पूछा है अकबर इसमें क्या दोष है, इसमें क्यों से मत बनियादा, आप भी पढ़े लिखे आदमी, आप ये बता दो गुण के है इसमें, एक गुण बता दो, हम इन विज्ञापन वापस ले लेंगे। मैं आपके सामने सारी रखता हूँ, इसमें खामियाँ ही खामियाँ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित को सिक्योर रखने के लिए, उनकी फसल को सिक्योर न रखने के लिए बनाई गई है, और कंपनी लॉ में, कॉरपोरेट लॉ में आप कोई भी कानून उठा करके देख लो, कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि भाई अगर फसल ख़राब होगी एक्ट ऑफ गॉड से, किसी बारिश से या किसी तूफान से, ओलावृष्टि से, उनके किसान के हित सिक्योर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होगा। और कॉन्ट्रैक्ट का मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सर उसमें इंश्योरेंस का प्रोविजन है, सरकार मुआवजा देती है, इंश्योरेंस का तो ये अधूरा, आप पूरी जानकारी दो। जहाँ तक इंश्योरेंस का प्रोविजन है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस देश का दुर्भाग्य है कि जब MSP जब रखी जाती है, जब किसान की जमीन या जब किसान की फसल नीलाम होती है, और नीलामी का मतलब है कोई खरीदार नहीं होता, तो सरकार सपोर्ट के लिए कहती है ताकि खेती हर वर्ग बचा रहे, और इस देश का एग्रीकल्चरिस्ट 75% है, और वो एक देश के साधन संपान का, स्रोत का, और उसकी भौतिकी का, उपजाऊ का 75% व्यक्ति एक शरीर में प्राण की तरह होता है, अगर उसके प्राण छीन लिए जाए तो देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी।